और टीम सिद्दीक अकबर, ये इधर मेरे जो लेफ्ट साइड का आपकी लेफ्ट साइड पे, और जो आपकी राइट साइड पे है वो कहीं टीम सिद्दीक अकबर है। तो हाँ जी उस आपने लिखा जो आपके राइट साइड पे आसानी रहेगी सर, सारा आवाज करें साहबान से दरखास्त है कि मुझे आगाज करने के लिए सिग्नल दे दें ताकि मैं प्रोग्राम का होगा आगाज कर सकूं। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक मिनट, एक वो भी तो पड़ा है ना जी, टीम उमर, टीम उमर जो है वो अपना तारफ करवाए, अपना नाम और अपनी क्लास बताएं बेटा। माइक आगे, नेक्स्ट अगले को दे दो। और टीम उमर को लीड कर रहे हैं अली हैदर मलिक। अब टीम सिद्दीक अकबर वो अपना तारफ करवाएगी। जी बेटा क्लास थ्री से इस्माइल फियाज। जी मोहम्मद उस्मान इमरान क्लास नाइन्थ। अब्दुल रहमान मुलफर क्लास फाइव। उस्मान मलिक क्लास सिक्स। क्लास सिक्स। अब हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो मेरा पहला सवाल टीम उमर आपसे है, खत्मे नबूवत कुरान पाक में से इसका कोई हवाला दीजिए। नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप, बल्कि अल्लाह के बंदे और आखिरी नबी हैं। दुरुस्त जवाब है जी, उसके लिए क्लैपिंग भी बताएं। मेरा दूसरा सवाल टीम सिद्दीक अकबर आपसे है, गुसल के कितने फराइज हैं? तीन। जवाब दुरुस्त है जी। अगला सवाल टीम उमर आपसे है, जंगे यमामा में कितने सहाबा कराम और ताबईन शहीद हुए? 1200। जी जवाब दुरुस्त है, मान ले जी, मेरे जज कह रहे हैं कि जवाब दुरुस्त है, मान लेते हैं। टीम सिद्दीक अकबर अगला सवाल आपसे है, नबूवत का दावा करने वाली औरत का नाम, नबूवत का दावा करने वाली एक औरत भी थी, उस औरत का नाम? आपके पास टाइम सिर्फ 5 सेकंड का है। जी टीम उमर आप में से कोई सवाल का जवाब देना चाहे या पास कर दें, टाइम ओवर हो गया है। सजा बिनते हारिस, ये ईसाई थी, जद्दा और फरात के दरमियानी इलाके के रहने वाली थी और बनु तमीम इसका कबीला था। इंतहाई खूबसूरत थी, जो इसके देखता इसके हुस्न पे फिदा होता। इस औरत ने भी जब मुसैलमा कज़ाब ने नबी होने का दावा किया था तो ये भी उसी दौर में इस औरत ने जो है वो दावा किया हुआ था। आपकी गलती टीम सिद्दीक अकबर, आपका पॉइंट एक माइनस में चला गया। लेकिन वो भी नहीं बता सके तो फिर? नहीं सर, वो सवाल उनका था ना। अच्छा। हाँ जी, उनका हम नंबर नहीं काटेंगे। मेरा अगला सवाल टीम उमर आपसे है, खत्मे नबूवत के हवाले से सबसे पहली जंग किसके खिलाफ लड़ी गई? मुसैलमा कज़ाब। जवाब दुरुस्त है साहब। टीम सिद्दीक अकबर मेरा अगला सवाल आपसे है, हद्दे हरम को अरबी में क्या कहते हैं, जहाँ अहराम बांधते हैं फिर जाते हैं उमरा या हज करने के लिए? हद्दे हरम जो है, सॉरी आपका जवाब गलत है। टीम उमर आप में से कोई जवाब देना चाहे? मीकात। जवाब दुरुस्त है जी। और मेरा अगला सवाल ये जी, टीम सिद्दीक अकबर का एक और पॉइंट माइनस में गया। मिकात कहते हैं जहां अहराम बांधा जाता है,
वहद में मिकात होती है। टीम उमर, मुतवातरा हदीस किसे कहते हैं? मुतवातर हदीस जो है वो किसे कहते हैं? ऐसी हदीस जिसे हर जमाने में कम से कम 40 रावियों ने रिवायत किया हो और जिसका सही होना नामुमकिन है। जी इलामा साहब, बेहतरीन जवाब है जी इलामा साहब की तरफ से, कबूल है। टीम सिद्दीक अकबर, आपसे मेरा सवाल है बहुत ही आसान, क्या उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी उम्मत है? जी हाँ, ये आखिरी उम्मत है, दुरुस्त जवाब है जी। मेरा अगला सवाल टीम उमर आपसे है, जंगे यमामा में कितने हुफाज़े कुरान ने जामे शहादत नोश किया? 700 जी। ये लामा साहब आप मुतफिक हैं इस बात से? आप हमारे जज हैं। टीम सिद्दीक अकबर, 7 सितंबर 1971 को मरजियों के खिलाफ कौन से फैसले हुए? जी, और अपनी इबादत को नमाज नहीं कह सकते, जवाब दुरुस्त मान लिया जाए? दुरुस्त जवाब है जी, वेरी गुड। टीम उमर, अगला सवाल आपसे जी, मुकाबला माशाल्लाह बड़ा अच्छा ही जा रहा है। हाँ जी, खत्मे नबूवत का क्या मानी है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। जी एक्चुअली उन्होंने एक बंदा जो है ना वो टीम को लीड कर रहा है, जवाब ने उसी ने देना, वो आपस में मशवरे से, हाँ मुशावरत के बाद, हाँ वो फिर सर अगर सारे जवाब दें तो फिर काम ज़रा ख़राब हो जाए। जी जी हाँ जी जी, अगला सवाल, टीम सिद्दीक अकबर तैयार है? yes, सवाल करूं आपसे, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलून ने कब नबी होने का दावा किया? 1901 जी, जवाब दुरुस्त है साहब। टीम उमर, अगला सवाल आपसे, मोर लगाने का क्या मतलब है? ठीक है, अहमद कादियानी मलून ने झूठा नबी होने का दावा कब किया? 1901 में जी, जवाब दुरुस्त है। टीम उमर, मोर लगाने का क्या मतलब है? मोर लगाने का मतलब कि हमेशा के लिए बंद कर देना, हमेशा के लिए बंद कर देना, जवाब दुरुस्त है साहब। टीम सिद्दीक अकबर, सवाल आपसे, कान खोल के और दिल थाम के बैठिएगा, तहरीके खत्म नबूवत किसे कहते हैं? पाकिस्तान में तमाम मुकादिब के उलमा ने मरज़ियों के खिलाफ जो तहरीक चलाई उसे तहरीक खत्म नबूवत कहते हैं। उसे तहरीक खत्म नबूवत कहते हैं, माशाल्लाह जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। टीम उमर, आप लोगों की घबराहट बढ़नी नहीं चाहिए, आखिरी नबी और आखिरी उम्मत के बारे में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मैं आखिरी नबी हूं और तुम आखिरी उम्मत, आखिरी उम्मत हो, माशाल्लाह जी, सुभानअल्लाह, जवाब दुरुस्त है साहब। टीम सिद्दीक अकबर, अगला सवाल आपसे, रेडियो के बैठिएगा, खत्म नबूवत के हवाले से पहली जंग किस सहाबी के हुक्म पर लड़ी गई? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वेरी गुड, जोर से तालियां होनी चाहिए। टीम उमर, मेरा अगला सवाल आपसे, और क्या ही प्यारा सवाल है और इसका जवाब भी यकीन बड़ा प्यारा होगा, क्या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नामों से खत्म नबूवत साबित है? जी हाँ, साबित है जी, खातम जी, आकिब अल आकिबू, माशाल्लाह जी, जवाब दुरुस्त है जी। टीम सिद्दीक अकबर, अगला सवाल आपसे, तहरीक खत्म नबूवत का पाकिस्तान में क्या फ़ायदा हुआ, हमारे मुल्क पाकिस्तान में? तहरीक खत्म नबूवत का पाकिस्तान में ये फ़ायदा हुआ कि 10 सितंबर 1971 को कौमी असम्बली ने मरज़ियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गैर मुस्लिम जी, माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है जी। टीम उमर, सवाल आपसे, और ये वाला सवाल भी बड़ा तजलियों वाला है मेरे ख्याल में, जन्नत का सबसे आला दर्जा उसका नाम बता दीजिए। जन्नतुल फिरदौस, जी जवाब दुरुस्त है साहब, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया जब दुआ मांगो तो जन्नत फिरदौस मांगा करो, सुभान अल्लाह जी।
और मेरा आखिरी सवाल टीम सिद्दीक अकबर आपसे, तैयार हैं? दिल की धड़कन बढ़ रही है। खत्म नबूवत के दिफा के लिए जो पहली जंग लड़ी गई इसका नाम क्या था? जंग-ए-यमामा। जी जवाब दुरुस्त है साहिब। अब इसमें डॉक्टर साहब जो है वो अपना फैसला सुनाएंगे और अगली जो टीम्स हैं उनके लिए जो मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहतरम अल्लामा ताहिर मंजूर मुर्तज़ाई साहब, मैं उनसे गुजारिश हूँ हमारे आज के साहब तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत के लिए उन्होंने अपना टाइम वक्फ़ किया हुआ है, अपने आप को वक्फ़ किया हुआ है और हमारी यही काविश है कि हम अपने नबी अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा के बारे में और उनके आखिरी नबी होने के बारे में हमारे बच्चों को इस बात का बड़ी अच्छी तरह इल्म हो और हमारे बच्चे जो हैं ये जो हमारी दीन से दूरी हुई है वो हम दीन की तरफ उनके उन्हें अपने दीन की खबर हो कि दीन क्या है, हमारा दीन हमें क्या तालीमात देता है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या थी और ये जो काज़िब मुर्तद लोग होते हैं जो मलूल लानती जो झूठे नबी होने का दावा करते हैं उनका इस दुनिया में क्या मुकाम है और मेरे नबी अलैहिस्सलाम का यह वो क्या मुकाम था। अब मैं दावा देता हूँ अल्लामा मंजूर मुर्तज़ाई साहब को कि वो आकर वो टीम उमर और टीम सिद्दीक अकबर के मुकाबले के विनर्स का ऐलान करेंगे जो फर्स्ट है और जो सेकंड है उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मुकाबला बहुत सख्त हुआ और मुझे खुशी है कि छोटे छोटे बच्चों को ख़त्मे नबूवत के वाले से बहुत अच्छा आपके प्रिंसिपल साहब ने इलम दिया तो और देख के हम अल्लाह पाक इनके इलम में अमल में इजाफा फरमाए और हम सबकी कावश को कबूल फरमाए। इस मुकाबले में दो सवालों के जवाब जो है ना टीम सिद्दीक अकबर ना दे सकी तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा हो जाता है कि इसी जो दो सवालों के जवाब इन्होंने नहीं दिए वो पाँचवें सातवें और आठवें सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया जो मेरे ख़्याल में इनकी जो है ना तालीम के हिसाब से हैवी था तो और मैं और एक बात अगली बात जो टीम सैयदना उमर सदीक थी इन्होंने उमर फारूक इस टीम ने जो इनके सवाल का एक जवाब दिया जो एहराम बांधने का था उस वजह से मैं इस टीम को अव्वल कहता हूं। वैसे इलम में बराबर हैं। UL IP ट्यूलिप गुले नरगस जिसे कहते हैं, हाँ जी, उसको लीड कर रही है अरूज फातिमा, लाइबा रजाक, गुले फातिमा, मधा महक।